और दोपहर का समय है, इधर गर्मी भी बढ़ गई है। लेकिन मुझे पता है फाजिल नगर और इस विधानसभा के लोग इस बार किसी की गर्मी निकाल देंगे। न केवल गर्मी निकालेंगे, मैं अभी आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सुन रहा था, मैं ये कह सकता हूं उनके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की भाप निकल जाएगी। भाप बताओ, भाप निकलने लगी कि नहीं निकलने लगी? हमारे बाबा जी घबराए हुए हैं। आजकल उनका चेहरा देखा कि नहीं देखा? चेहरे पे 12 बज गए कि नहीं बज गए? और चेहरे को ढंग से देखना आप, जरा चेहरे को ढंग से देखना, होश उड़ गए हों के होश। और उस दिन का याद नहीं होगा, उस दिन याद नहीं होगा जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी हम लोगों के साथ आ गए। मैं तो इंतजार कर रहा था 2011 से। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरा इंतजार 2011 के से था। और अगर 11 में ही ना आए कोई बात नहीं, लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी को छोड़ा था इन्होंने, अगर उस समय आ गए होते तो हमें इतने 5 साल बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। सत्रह में आ गए होते, 17 में आ गए होते तो आज उत्तर प्रदेश आगे दिखाई देता। लेकिन मुझे खुशी है कि आज जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, और पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं देश का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और जिसके साथ अन्याय हुआ है, वो सब यही नजर लगा करके बैठे थे कि कब आएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, और आपके आने से जो बदलाव हुआ है, जिस दिन से आ गए उस दिन से हवा दूसरी चलने लगी कि नहीं चलने लगी? अरे बीजेपी वालों की जमानत नहीं जब्त की तो क्या जिताया आपने? और इनके नेताओं को आपने नहीं देखा कैसे वोट मांग रहे हैं? बीजेपी के नेता, एक नेता तो दंडवत हो गया, जनता से माफी मांग रहा है। एक नेता कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहा है, और आपने वो भी देख लिया होगा, एक नेता वोट के चक्कर में तेल मालिश कर रहा है। बताओ ये बीजेपी की हालत हो गई, ये डबल इंजन की हालत हो गई। एक नेता है वो ABCD सिखा रहे हैं सबको, कभी A फॉर ये, B फॉर ये, N फॉर ये, Z फॉर ये, कह रहे कि नहीं कह रहे? हमने भी उन्हें कहा कि अंग्रेजी मत सिखाओ, हम हिंदी सिखाते हैं आपको। और हमने कहा कि काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। बताओ तीसरे चौथे और आज जहां पांचवा चरण का शाम को पता लगेगा, बताओ बीजेपी के लोग ठंडे हो गए कि नहीं हो गए? जब से जनता ने इनकी खड़ी की है खटिया, तब से इनके बयान हो गए घटिया के नहीं हो? बताओ आप। कभी कभी कहते हैं कि आदरणीय मौर्य जी
पांच साल क्यों सरकार में रहे, हमारे साथ रहे। हमने कहा हम तो बहुत पहले ही हमारी इनकी बात हो गई थी, हमने कहा अभी मत आना, आना तब जब आपके आने से चोट हो। तो बताओ वो कहावत सुनी कि नहीं सुनी अंग्रेजी में, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, जब गर्म हो तभी हथौड़ा मारना। बताओ इनके आने से हथौड़ा लगा कि नहीं लगा। समाजवादी लोग बड़े दिल वाले हैं, जो विधानसभा चाहेगी हम उतना विकास कराने का काम आपके कहने से करने का काम करेंगे। और याद रखना, बाबा जी आए थे कुशीनगर, जब दलित और पिछड़ों से मिल रहे थे तो साबुन लगा करके मिल रहे थे, याद है कि नहीं याद है? साबुन और शैंपू बांटा था, न केवल साबुन और शैंपू बांटा था बल्कि मुख्यमंत्री आवास को भी गंगा जल से धुलवाया था, याद है कि नहीं याद है? इसलिए ऐसी पार्टी को आप उनके प्रत्याशियों को जमानत जब्त करने का काम करना।